ऐसे श्रेष्ठ संत जो समाज सुधारक भी हैं, भीमा शंकर शास्त्री जी, उनके चरणों में प्रणाम। भाई यशपाल जी, सभी भक्तों, बहनों और भाइयों, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीदेव भीमाशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की महिमा तो अनंत है, और इसलिए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है, और सांवरिया सेठ की उपासना करते हैं। राधे कृष्ण भगवान अद्भुत है सचमुच में। ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं, और स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिद्धाम्यम, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभि योगे योगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पाप अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर आते हैं। और भीमाशंकर शास्त्री जी भी ऐसे ही श्रेष्ठ संत हैं जो धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है। वो कथा तो करते ही भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, लेकिन उसके साथ साथ नदियों का संरक्षण हो, पर्यावरण का काम हो, गोमाता और गौशालाओं के प्रति समर्पण हो, सचमुच में वो अद्भुत है। इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। कथाओं में जो धनराशि आती है वो स्थानीय गौशालाओं में ही समर्पित करने का पुण्य वो सदैव करते हैं। धार्मिक और रचनात्मक दोनों प्रकार के कार्यक्रम वो करते हैं। स्वास्थ्य के शिविरों का आयोजन हो, श्रमदान हो, मंदिरों का विकास हो, जनता को सही दिशा देने के लिए शिविरों का आयोजन हो, शास्त्री जी सदैव इस काम को करते हैं और जनता को दिशा देते हैं। लोगों को नशे से दूर रहने का सदैव वो संदेश देते हैं, बुराइयों से दूर रहने की बात करते हैं, और लोकतंत्र में मतदान पवित्र कर्तव्य है, इसको भी वो जनता के बीच रखते हैं। ऐसे संत जो समाज सुधारक भी है, क्योंकि वो भ्रूण हत्या के प्रति भी लोगों को जागृत करते हैं, बाल विवाह को भी सामाजिक अपराध बताते हैं। तो ऐसे संत है जो धर्म के साथ साथ सामाजिक जागरण का काम भी करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संत दुनिया में अवतरित होते हैं और लोगों के कल्याण के लिए ही इस धरती पर आते हैं। मैं उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के यहीं से प्रणाम करता हूं। महाराज शास्त्री जी, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके पास भले ना हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा अभी आपके चरणों में ही है। बस कृपा की और आशीर्वाद की आप वर्षा हम सब पर कीजिए। सद्बुद्धि बनी रहे, सन्मार्ग पर चलते रहें, और ठीक से अपने प्राणों से प्रिय जनता की, अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा करते रहें। कुरूतियों को हम भी दूर करें। महिला उत्थान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्याओं का विवाह हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन कन्याओं को, बेटियों को, बहनों को देना हो, या फिर अभी लाडली बहना योजना हो, ये शास्त्री जी अंतर आत्मा से निकली है, ताकि बहनें भी हमारी सुखी रह पाए, आगे बढ़कर काम कर पाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकल्प आपके आशीर्वाद से चलाने का प्रयास किया है। अभी बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा अब हवाई जहाज के माध्यम से भी करा रहे हैं, ताकि बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने जाएं, और अंतिम सांस लेने के पहले जो इच्छा होती है कि कम से कम एक बार तीर्थ पे जाकर दर्शन कर लें, उस पवित्र कार्य में लगे हुए। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि भक्त आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं।
अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्सुक है। और इस अवसर पर मैं देख रहा हूं कि सांसद सुधीर जी भी वहां है, हमारे मंत्रिमंडल के साथी मेरे सहयोगी मंत्री वो भी वहां पे उपस्थित है, बंसीलाल जी भी दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए मैं सब मित्रों को भी, आज वो गुरु के चरणों में है, उनको मैं बधाई देता हूं। और एक बार पुनः शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम ठीक काम करते रहें। अपनी बात समाप्त करता हूं। और जो विशाल जन समुदाय इस अवसर पर उपस्थित है, क्योंकि गुरु के चरणों में जो बैठे हैं मेरे लिए तो वही परम पवित्र है। और इसलिए आप सबको भी मैं यहीं दोनों हाथ जोड़ के, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीता राम है, सब में राधे कृष्ण है, सबको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम। अपने गुरु के प्रति आप श्रद्धा और भक्ति रखेंगे तो गुरु आपको कभी भटकने नहीं देंगे, कभी फिसलने नहीं देंगे, कभी अटकने नहीं देंगे। और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, श्रेष्ठ काम करते हुए अंततः परमात्मा को भी गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शास्त्री जी एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम, धन्यवाद। मेरे साथ सब बोलिए, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, राधे कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय हो, जय हो।